नाजरीन, मैं मरियम फातिमा, रियल स्पेन न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। हरमैन शरीफैन के उमूर के निगरान इदारे की जानिब से जारी बयान के मुताबिक आज़मीन हज और दुनिया भर के मुसलमानों की सहूलत के लिए खुतबा हज का उर्दू समेत 14 जबानों में तर्जुमा किया जाएगा। खुतबा हज हर साल की तरह मस्जिद हमरा अरफात से दिया जाएगा। करोना वबा के बाद 2 साल पाबंदियों के बाद 10 लाख आज़मीन फरीजा हज की अदायगी के लिए मीना की जानिब रवाना हो गए हैं। आलमी मार्केट में अमेरिकी और बरतानवी खाम तेल की कीमतों में 9% तक की कमी हुई है। आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल ब्रेनेट की कीमत में 10.77 डॉलर जबकि अमेरिकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास की कीमत में 9.30 डॉलर फी बैरल की कमी हुई है। FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर ने कहा है कि चीन हमारी इक्तसादी और कौमी सलामती के लिए सबसे बड़ा और तवील मुद्दती ख़तरा है और इसने हालिया इंतखाबात समेत सियासत में मुदाखलत की है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने भेजा पाबंदियों के खिलाफ और गैर आइनी अहकाम मानने से इनकार करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। अमीर तालिबान मिला हिबतुल्ला ने ईद उल अज़हा के मौके पर अपने खसूसी पैगाम में कहा है कि अफगान सरजमीन को दूसरे ममालिक के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा, ताहम आलमी बरदारी भी अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत ना करे। बरतानिया के वज़ीर सेहत साजिद जावेद और वज़ीर ख़जाना ऋषि सोनक ने इस्तीफ़ा दे दिया है और दोनों मुस्तफ़ी वज़रा ने वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की हुकूमत चलाने की सलाहियत पर सवाल उठाया है। रियासत राजस्थान में अजमेर शरीफ की दरगाह के एक खादिम सलमान चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। सलमान चिश्ती ने नुपुर शर्मा को कत्ल करने वाले को अपना घर इनाम में देने का ऐलान किया था। श्रीलंका के वज़ीर आज़म रानिल विक्रमासिंघा ने कहा है कि मुल्क का दिवाला हो चुका है और अब हमें इसी हैसियत के साथ IMF के पास जाना होगा। हिंदुस्तान में अखिलेती उमूर के वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी की जानिब से इस्तीफ़ा देने के बाद मुल्क की तारीख में पहली बार देखने में आया है कि जब हुक्मरान जमात में कोई मुसलमान पार्लियामेंट्रे नहीं है। तो ये थी नाज़रीन आज की 10 अहम खबरें। ऐसे ही अहम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।